नमस्कार वेल देखिए मार्केट्स के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव देखने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है आई थिंक दिस इज अ गुड साइन ये कंसोलिडेशन में वापस से लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करना चाहिए निफ्टी का जो नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट है आई थिंक द सपोर्ट फॉर निफ्टी इज प्लेस एट अराउंड सिक्सटीन एंड देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज प्लेड प्लेस एट अराउंड सिक्सटीन लेवल्स सो एनी डिप इन निफ्टी फॉर नेक्स्ट वन और टू डेज और फॉर टू टू थ्री डेज शुड बी यूज एज बाइंग अपॉर्चुनिटी

एग्जिस्टिंग पोर्शन फिलहाल होल्ड करके चले बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स कोई भी डिप अगर आता है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जिसमें पैंतीस तीन सौ से पैंतीस हज़ार दो सौ तक के लेवल अगर देखने को मिलते हैं तो एज अ डिप मैं बैंक निफ्टी में, में लोअर लेवल्स पे वन शुड इनिशिएट लॉन्ग पोजिशन द सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इज प्लेसड एट अराउंड थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड और थर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड लेवल्स दट मीन्स फॉर लॉन्ग पोजिशन द स्टॉपलर शड बी प्लेस एट अराउंड थर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड लेवल्स एंड ऑन हायर साइड द इमीजिएट रेजिटेंस एंड टारगेट फॉर बैंक निफ्टी वुड भी थर्टी सिक्स थाउजेंड लेवल्स थर्टी सिक्स थाउजेंड इफ इफ थर्टी सिक्स थाउजेंड इज टेकन अवे ऑन क्लोजिंग बेसिस देन द टारगेट्स वुड बी थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड्स फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तीन से पांच दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में बायस पॉजिटिव रख के काम करें वॉलीडिलिटी देखने को मिलेगा ऊपरी लेवल पर सेलिंग भी आएगा लेकिन लोअर लेवल्स पर बाय करें और यहाँ से ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है नाउ व्हेन इट कम्स टू सेक्टर स्पेसिफिक टॉक आई थिंक मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड टू मी आफ्टर ए करेक्शन मेटल सेक्टर में अब ध्यान रखना चाहिए डिप्स में खरीदारी करना चाहिए टाटा स्टील जे एसडब्ल्यू स्टील हिंडालको और वेदांता इन स्टॉक्स में आप खरीदारी करें एग्जिस्टिंग पोजिशन्स होल्ड रख के चले यहाँ से पाँच से आठ या दस परसेंट का मूव जल्दी ही मेटल सेक्टर के अंदर देखने को मिलना चाहिए लास्ट वीडियो में हमने आई टी सेक्टर का बात किया था आप देखिए वहाँ से आई टी सेक्टर में एक अच्छा जंप आया है और सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला है अब यहाँ से मेटल सेक्टर के अंदर वो मूव देखने को मिलना चाहिए और एक हफ्ते से दस दिन के अंदर मेटल सेक्टर में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो सेल नेल्को हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान जिंक इन पे भी आप नजर रख सकते हैं मेटल सेक्टर के अलावा मेरे को लग रहा है कि आ, कोल इंडिया एन पावर ग्रिड इन स्टॉक्स पे भी थोड़ा नजर रखें इन स्टॉक में भी एक हलचल बनी हुई है और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है तो इन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एन हो गया कोल इंडिया हो गया टाटा पावर हो गया पावर ग्रिड हो गया इन स्टॉक्स में भी यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है तो इन स्टॉक्स में भी आप लोग लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं आई uh, थिंक आज की वीडियो में इतना ही निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का हमने बात किया ट्रेंड का बात किया इसके साथ साथ मेटल सेक्टर में यहाँ से बाउंस बैक और एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है और पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आप लोग काम करें मार्केट्स के अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करें बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें बिना स्टॉप लॉस के आपको तो हमेशा रिग्रेट ही होगा और मार्केट्स के अंदर आपका पैसा टूटेगा ही स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वापस खड़े रहने का मौका मिलेगा वापस ट्रेड करने का मौका मिलेगा और हर रोज कोई सही नहीं जा सकता तो जब जब गलत जाए तब तक उसको पॉज देना एग्जिट करना स्टॉप लॉस पर निकलना बहुत जरूरी है आज के वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखें बाय बाय टेक केयर